आप सभी का स्वागत है। ये कृषि कुंभ मेले में वर्टिकल लेयरिंग के माध्यम से शोभाकार पौधे, जिनका एक विशेष महत्व होता है, को छोटे छोटे गमलों में आप देख रहे होंगे लगाया गया है। इन गमलों को जो पानी दिया गया है वो ट्राइब्यूटरी छोटे छोटे पाइप लगा करके और ऑटोमेटिकली हर गमले में पानी लगातार जितनी आवश्यकता हो उतना दिया जा सकता है। जैसे ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में पाइप भी दिखाई पड़ रही है और इस पाइप के माध्यम से ही इसको पानी की आपूर्ति भी की गई है और न्यूट्रिएंट्स भी इस पानी के साथ इसको दिए जा सकते हैं। इस वर्टिकल लेयरिंग से आप जो वेजिटेबल्स के पौधे हैं, जैसे टमाटर है, मूली है, शलजम, पालक, इनको लगा सकते हैं और फलों के पौधे खासतौर से देखिए स्ट्रॉबेरी का पौधा अगर आप लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। और इस बेरी जो ये आप देख रहे हैं इससे आप बैरिकेटिंग कर सकते हैं, घर की जो चहरदीवारी उस पर लगा सकते हैं, इसको छत पर लगा सकते हैं और जो सार्वजनिक स्थल हैं, पार्क के जो किनारे हैं उन पर लगाया जा सकता है और जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो आसपास का वातावरण है वह शुद्ध हो जाएगा और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उनकी खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बगैर पेस्टिसाइड के, बगैर फर्टिलाइज़र के आप कार्बनिक खेती करके और उनसे मूली, मिर्चा, धनिया और टमाटर, इवन जो और भी सब्जियां हैं उनकी भी खेती करके और इसको आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। छतों पर इसको लगाया जा सकता है जो छत खाली रहती है और इसको अगर 3 मीटर की ऊंचाई तक इसको लगा दिया जाए और इसमें पौधे अगर स्लैंट रख दिए जाते हैं तो इन पौधों से बहुत आसानी से आपको अच्छे उत्पाद मिलते हैं, ऑक्सीजन बढ़ती है, वातावरण शुद्ध रहता है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो प्रचुरता है वो अच्छी होने से आदमी स्वस्थ रहता है और बढ़िया अच्छा लगता है, वातावरण भी अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।